हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। जी हाँ, एमपी व्यापन द्वारा असिस्टेंट ग्रेड स्टेनोग्राफर अथवा टाइपिस्ट सहित 2714 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। जो भी उम्मीदवार आवेदन करना चाहते हैं वो अपना आवेदन जल्द से जल्द कर सकते हैं। क्या है आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया, जानेंगे हमारे इस वीडियो में। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस खास वीडियो की। सो गाइस, जैसा कि मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी कि एमपीपीईबी ने असिस्टेंट ग्रेड थर्ड स्टेनोग्राफर टाइपिस्ट असिस्टेंट रेवेन्यू इंस्पेक्टर सहित 2714 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य उम्मीदवार 6 जुलाई 2018 तक निर्धारित प्रारूप के तहत आवेदन कर सकते हैं। सो जैसा कि गाइस जान लेते हैं क्या है इम्पोर्टेंट डेट्स डिटेल। जो है आवेदन करने की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है वो है 6 जुलाई 2018। तो वही कम्बाइंड परीक्षा 2018 की तिथि निर्धारित की गई है 28 और 29 जुलाई 2018। जैसा कि दोस्तों जान लेते हैं वैकेंट पोस्ट डिटेल के विषय में, तो बता दें आपको असिस्टेंट ग्रेड थर्ड के लिए 822 पद रिक्त है, स्टेनोटाइपिस्ट के लिए 68 पद रिक्त है, स्टेनोग्राफर के लिए 38 पद रिक्त है, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 5 पद रिक्त है, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 1 पद रिक्त है, असिस्टेंट के लिए 45 पद रिक्त है, असिस्टेंट डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 45 पद रिक्त है, एपीसीडी के लिए 21 पद रिक्त है, रिकॉर्ड टेक्नीशियन के लिए 1 पद रिक्त है, डीसीसी कोडर के लिए 1 पद रिक्त है, जैसा कि डॉक्यूमेंट लिस्ट के लिए 1 पद रिक्त है, रिकॉर्ड क्लर्क के लिए 19 पद रिक्त है, कोडिंग क्लर्क के लिए 2 पद रिक्त है, गार्डन सुपरवाइजर के लिए 18 पद रिक्त है, असिस्टेंट रेवेन्यू इंस्पेक्टर के लिए 80 पद रिक्त है, जूनियर स्टेनोग्राफर कम कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 8 पद रिक्त है, टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 2 पद रिक्त है, जूनियर असिस्टेंट विलेज एक्सटेंशन ऑफिसर के लिए 2 पद रिक्त है, ट्रेजर के लिए 1 पद रिक्त है, तो वहीं लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए 3 पद रिक्त है। जैसा कि फ्रेंड्स अब जान लेते हैं क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिटेल। तो इसमें पहला आता है शैक्षणिक योग्यता। बता दें आपको अलग अलग पदों के लिए उम्मीदवारों को 10+2 या ग्रेजुएट होनी चाहिए और वैध सीपीसीटी स्कोर कार्ड के साथ कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा होना भी अनिवार्य है। इसी के साथ ही पदों से संबंधित विस्तृत शैक्षणिक योग्यता की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप आधिकारिक अधिसूचना को देखना ना भूलें। तो वहीं आगे आता है चयन प्रक्रिया। तो बता दें आपको उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा, इंटरव्यू और स्किल टेस्ट में उनके प्रदर्शन के आधार पर ही किया जाएगा। जैसा कि दोस्तों जान लेते हैं आखिर में क्या है आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया। तो बता दें आपको पात्र उम्मीदवार मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी कि एमपीपीईबी की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपना आवेदन ऑनलाइन 6 जुलाई 2018 तक कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन आगे आने वाली ऐसी रिक्रूटमेंट से जुड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए यूं ही बने रहिए हमारे साथ और करिए इंतजार हमारी अगली अपडेट का। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।